Hello everyone, I am B. Kumar from online English schooling platform. Today I will teach you grammatical chapter about past perfect continuous tense. इसका मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ और आपको बताने का प्रयास करता हूँ. फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ यही सेंटेंस है, सीता 2005 से स्कूल में पढ़ रही थी. मतलब देख रहे हैं, रही थी लिखा हुआ, मतलब पास्ट का बात है. और से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ लिखकर. यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भाव का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब भाव का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट पार्ट में होता है सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम. अब ये सिंस क्या है, फोर क्या है और टाइम क्या है मैं आपको बताता हूँ. पहले सेंटेंस को एक बार फिर से रीड करना है. पहले तो इसको आप जान लीजिए कि इसका आइडेंटिफिकेशन मतलब सेंटेंस का क्या होता है. इसका सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है ये, से प्लस रहा था, से प्लस रही थी, से प्लस रहे थे इत्यादि हिंदी सेंटेंस के एंड में लगा होता है. तो आप देख सकते हैं सीता 2005 से प्लस रही थी लिखा हुआ है ना, से प्लस रही थी, यहाँ भी से प्लस रही थी. तो हम जान गए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये हिंदी सेंटेंसेज है. और इसको बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ सिंस और फोर क्या है. देखिए, सिंस और फोर का इस सेंटेंसेज में मतलब होता है से. यहाँ पे एक से दिख रहा है, इसी से का मतलब है सिंस फोर. लेकिन सिंस कहाँ लगेगा और फोर कहाँ लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ. सिंस इस सेंटेंस में रिप्रेजेंट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, और फोर रिप्रेजेंट करता है इस सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम को. राइट, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम, आपको मालूम हो. यहाँ पे आपको सेंटेंस मैं इसको बनाता हूँ, अगर आप जानते हैं बनाने का तो आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. तो फर्स्ट यहाँ पे सीता 2005 से स्कूल में पढ़ रही थी. पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है जो आप जानते हैं, लाल बटन को दबाना है, बेल आइकॉन प्रेस करना है. राइट, चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में परफेक्शन तो सब्सक्राइब करिए ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म. आ जाते हैं यहाँ पे, सीता लिखा हुआ, सीता सब्जेक्ट. तो यहाँ पे बनाता हूँ इसको, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैड ही आएगा, हैड बीन ही आएगा. राइट, इसमें एक बात तो अच्छा है, समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल मैटर नहीं करेगा, हैड बीन भाव का फोर्थ फॉर्म आएगा ही. तो सीता Had been, सीता had been स्कूल में पढ़ रही थी. तो पढ़ना का रीड, और रीड में हमको ing जोड़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग. और कहाँ पढ़ रहा था, स्कूल में. सीता had been reading in a school, सीता had been reading in a school. और यहाँ पे लिखा हुआ 2005 से, 2005 जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है. तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं आपको बताया हूँ सिंस का यूज होगा. तो इन स्कूल सिंस 2005, राइट. इसी प्रकार से बनेगा सेंटेंस. और एक सेंटेंस आपको लेकर मैं बताता हूँ, जैसे सेंटेंस रहेगा यहाँ पे लिखा गया, रमेश 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था. ये भी पास्ट का बात है और पास्ट में लंबे समय का बात है. तो पहले इसको मैं बनाकर बताता हूँ और आप भी बना सकते हैं. रमेश हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर, क्योंकि यहाँ 2 घंटा लिखा हुआ है. तो ये जो 2 घंटा लिखा हुआ है ना, ये एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम वो होता है जिसका टाइम मतलब यहीं पे रहता है. रमेश 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था. अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई रमेश कब से क्रिकेट खेल रहा था, अगर आपको मालूम होगा कि रमेश 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, आपको मालूम अगर होगा तो बोलिएगा ऐसे. अगर आपको मालूम नहीं है तो आप बोल दीजिए कि रमेश 2 घंटा से क्रिकेट खेल रहा था, रमेश 1 घंटा से खेल रहा था, रमेश 5 घंटा से खेल रहा था. ये हो जाएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम. तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमको 4 यूज करना पड़ता है. तो अभी इसको मैं बनाता हूँ, आप भी बनाने का प्रयास करिए. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, टिल दिस पॉइंट एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यू बोलो. चलो ठीक, देखो यहाँ रमेश है, रमेश लिखा गया सब्जेक्ट. यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आएगा ही. तो रमेश हैड बीन प्लस भर्व का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो रमेश क्रिकेट खेल रहा था. तो पहले खेलना यहाँ भर्व है, तो खेलना का प्ले में प्ले लिख देना है, उसके बाद आईएनजी लिख देना है उसमें प्लेइंग. अब क्या खेल रहा था तो मालूम है आपको, क्रिकेट. तो क्रिकेट
और कब से 2 घंटा से, तो क्रिकेट। अब बता दिए यहाँ कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 यूज होता है, तो प्लेइंग क्रिकेट 4 2 आवर्स ऐसे ही बनेगा।